महाराजगंज जिले के थाना पनियरा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रुदलापुर में एक ही परिवार के दो सदस्यों पर मां और बेटी पर धारदार हथियार से हमला किया गया था, जिसमें मौके पर ही पुत्री की मौत हो गई तथा मां रिंकी मदेसिया गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गुरुवार को मामले का खुलासा कर दिया, जिसमें चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पिता ने ही बेटी की हत्या की है, जिसके बाद एसपी ने खुलासा करने वाली टीम को पुरस्कार देने की बात कही है। एएसपी डॉक्टर कस्तुभ ने बताया कि मृतक काजल मदेसिया उसकी मां रिंकी मदेसिया को उसके पिता ने ही फोन कर बुलाया था, जहां मां रिंकी मदेसिया की हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन उसके साथ बेटी काजल भी पहुंच गई, जिससे आरोपियों ने दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें बेटी काजल की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं मां रिंकी का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आरोपी संजय मदेसिया ने बताया कि पत्नी पिंकी मदेसिया का चाल चलन ठीक नहीं था, उसने मुकदमा भी किया हुआ था, जिसके वजह से वो परेशान रहता था और वो विदेश भी नहीं जा पा रहा था, जिससे परेशान होकर पत्नी को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी, लेकिन उसके साथ बेटी काजल भी पहुंच गई। देखिए, जैसा कि आप सभी को विदित है कि अभी से लगभग 36 घंटे पूर्व हमारे जनपद में एक सनसनीखेज घटना हुई थी। थाना पनेरा अंतर्गत रिंकी मदेसिया और काजल मदेसिया, जो माता और बेटी हैं, इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था धारदार हथियार से, जिसमें जो उनकी सुपुत्री थी काजल मदेसिया, उनका देहांत हो गया है और जो माता जी हैं उनको गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया इलाज हेतु। इस प्रकरण में पुलिस की कई टीमें, जिसमें ज्वाइंट रूप से एसओजी की टीम, थाने की टीम और सभी अधिकारीगण लगे थे, और इसका सफल अनावरण कुछ ही घंटों के भीतर किया गया है। और इसमें जो अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं वो संजय मदेसिया, जो मृतका के पिता हैं और जो घायल महिला है उसके पति हैं, और इनका मित्र मंजीत कुमार महतो, इन दोनों के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आला कथन जो चाकू है जिससे इन्होंने हमला किया था, तथा जिस मोबाइल जिसके माध्यम से इन्होंने संपर्क करके उनको बाहर बुलाया था, उन सभी के साथ इनकी गिरफ्तारी की गई है। और टीम द्वारा समयबद्ध तरीके से एक अच्छे अनावरण के दृष्टिगत पूरी टीम को 15,000 रुपए के इनाम से। हत्या की सर मुख्य वजह क्या रही है सर? हत्या की मुख्य वजह ये थी कि ये जो हैं इनके दिनचर्या से, इनके बाकी कार्यकलापों से क्षुब्ध थे इनके पति जो हैं, और इनका टारगेट इनकी पत्नी थी, मगर बेटी भी क्योंकि मौके पर आ गई थी तो उन्होंने उसको भी टारगेट किया। और दूसरा, ये अपने घर से अलग रहते थे और इनकी पत्नी और बच्ची इनके घर में रहा करते थे, और ये अपने घर में स्वयं नहीं रह पा रहे थे, और कई गोरखपुर में कई बाद पत्नी ने अपने पति के ऊपर दाखिल कर रखे थे मेंटेनेंस के खर्चे के, उससे ये लगातार क्षुब्ध रहते थे और ये विदेश भी नहीं जा पा रहे थे इन वादों के कारण। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर इसने इस पूरे घटनाक्रम को रचा और किया है, और इसमें इन्होंने अपने मित्र मंजीत कुमार महतो का प्रयोग किया, उसको रिंकी मदेसिया के फ़ोन के माध्यम से उसका संपर्क स्थापित करवाया, उससे बातचीत करवाई, और उस लड़के ने कॉन्फिडेंस में लेके कुछ पैसे देने के नाम पर इनको बाहर बुलवाया, और जहाँ पर ये पहले से घात लगा के बैठे थे धारदार हथियार के साथ, और दोनों ने मिलकर फिर ये पूरे घटना को कारित। संजय ने दूसरी शादी भी की है? ये इनकी दूसरी शादी है, ये लगभग 2 वर्ष पहले, और दूसरी शादी से इसको एक बेटी भी है, जैसा इनके द्वारा अवगत कराया गया है। और इनके 3 बच्चे पहली शादी से हैं, और इनका ये भी मानना है कि शायद इनका जो छोटा बच्चा वो इनका नहीं है, इस प्रकार की कई सारी बातों को लेकर शुभ है, जैसा अभी तक की पूछताछ में निकल के आया है। गहनता से सभी बिंदुओं पर भी विवेचना प्रचलित है, और जो बातें निकल के आएंगी उनको